अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ये आपका मैथ का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, एंड इसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स के लिए पहले हमें नंबर्स रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक नंबर राइट कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको रीड कैसे करना है, ठीक है। ये है 752,739,045। लेकिन अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे, हमें क्या कैसे पता चलेगा क्या कौन सा नंबर क्या है। तो ये है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन। तो हम हंड्रेड मिलियन तक पढ़ना सीखें। तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, 752,739,045, ठीक है। हंड्रेड कुछ नहीं था, इट मीन्स हंड्रेड ज़ीरो था, ठीक है। तो जब हमको ये हमें ये पढ़ना आएगा तो फिर हम नेक्स्ट कर सकेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। तो जो वर्ड अंडरलाइन होगा या जो डिजिट अंडरलाइन होगा तो हमने उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होगी। फर्स्ट है 2,397, ठीक है। अब इसमें हमने 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। 3 की जब प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू हम कहते किसे हैं। हमने 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, हमने देखना है 3 किस प्लेस पे है, ठीक है। 3 की प्लेस बतानी है कि 3 हमने किस जगह पे राइट किया हुआ है। तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है वंस टेंस, इसी तरह हम इसको करके देखेंगे। वंस टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। तो अब 3 को अंडरलाइन किया हुआ, तो 3 की प्लेस बतानी है कौन सी। तो 3 की प्लेस क्या है, हंड्रेड। तो इट मीन्स क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू 300। 3 के बाद सारे जो नंबर्स हैं उनको हम ज़ीरो राइट करेंगे। ज़ीरो राइट क्यों करें, क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, 9 की प्लेस वैल्यू नहीं फाइंड करनी। हमने 3 को बताना है कि 3 किस प्लेस पे है। हमने बताया है कि 3 जो है वो 100 की प्लेस पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 9,991,324, ठीक है। इसमें हमने 9 जो है इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम पहले पढ़ के देख लेते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, ठीक है। तो 9 किस प्लेस पे है, हंड्रेड थाउजेंड के प्लेस पे। तो 9 जो है वो हंड्रेड थाउजेंड की प्लेस पे है। 9 के बाद सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। 9 तो 100,000, क्योंकि हमने किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 9 की बतानी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 900,000। अच्छा, अब इसी तरह मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ क्वेश्चन। 8,910, इधर हमने 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। 1 की प्लेस वैल्यू जो हम बताएंगे तो अब देखेंगे वैसे ही वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो 1 किस प्लेस पे है, टेंस पे है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10, ठीक है। उम्मीद है कि अब सबको समझ आ गया होगा, और जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप प्रैक्टिस में करेंगे, और जब प्रैक्टिस में करेंगे तो फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमने वर्ड्स में लिखना है, नंबर्स हमें गिवन है और हमने वर्ड्स में लिखना है। तो फर्स्ट है 19,412। तो पहले उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट में मैंने आपको बताया, हम उसी तरह पहले रीड करके देखेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक है।
समझाने के लिए मैं लिख भी देती हूँ एक बार ऊपर, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 19,000 19,400, हंड्रेड क्या है, फोर है, 412। सेकंड है हमारे पास 2,444,719। तो इसको हम लिखेंगे, पहले हम इसी तरह कर लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन। तो मिलियन क्या है हमारे पास, टू, लिखेंगे 2,000,000। फोर हंड्रेड फोर्टी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइनटीन। ठीक है, अच्छा इसी तरह मैं एक और लिख के दिखाती हूँ। इस अब समझ आ गया है कि 2,000,000, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तक राइट करते जाएंगे, 2,444,000। ठीक है, 444,719। मज़ीद में मैंशन कर देती हूँ ऊपर, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन। ठीक है, अब इसी तरह का एक और पार्ट है, थ्री सिक्स वन फोर। देखो अब इसी तरह पढ़ के देखेंगे हम इसको, पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। ठीक है, हंड्रेड थाउजेंड तक है बस ये। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 583,000। पहले हम लिखते हैं 583,000 614। ठीक है, तो जिस तरह से लिखा हम इस तरह से पढ़ेंगे और साथ साथ लिख भी सकते हैं, 583,614। जिसके रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद से करके देखने हैं प्रैक्टिस में, और फिर जो समझ ना आए वो पूछ सकते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री है, राइट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। इसको हमने फिगर्स में राइट करना है, हमें वर्ड्स में दिया हुआ है और हमने जैसे फिगर्स में, जैसे हम भी हमें ये गिवन था हमने इसको वर्ड्स में लिखा था, हमें वर्ड्स गिवन होंगे हमने इसको फिगर्स में राइट करना है। ठीक है, तो है 130,000 421 130,412। ठीक है, अब मज़ीद हम अपनी तसल्ली के लिए ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। तो हमने सही लिखा है 130,431। तो हंड्रेड क्या है, फोर है। ठीक है,
और 31, 421, ठीक है। अच्छा इसका एक और पार्ट करते हैं, 9,000,000 800 73,000 521 500 एंड 21। इसी तरह लिखेंगे 9,873,000 फिर है 521 वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन। तो देखिए टैली करते हैं, 9,873,000, ठीक है। और उसी तरह 521 की जगह पे आ गया, ठीक है। इसके भी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। अच्छा आपका जो होमवर्क है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 2 से आप करेंगे, एच एंड ई पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 से आप करेंगे एफ एंड एच। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 है ये देखें। तो इसमें आपने सिर्फ प्लेस वैल्यू की तरह ही बताना है कि अब देखें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है द डिजिट डैश इन द मिलियन प्लेस, कि कौन सा जो डिजिट है वो मिलियन प्लेस पे है। अब कौन सा डिजिट है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड मिलियन कौन सा डिजिट है, 5, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है, क्योंकि हम ये सब कुछ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मतलब इसी लेक्चर में, कि हमने सबकी प्लेस जिस तरह प्लेस वैल्यू तो उसी तरह की आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये आप खुद करेंगे और जो मसला होगा जो नहीं समझ आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। और बच्चों जो आपको मैंने आज काम दिया ये आपने इसी वीक में सैटरडे को आप स्कूल में सबमिट करवाना है आपने, और ये शीट्स पे करना है। इस होमवर्क का जो आपको पहले होमवर्क दिया उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये है कि वो आपने जब स्कूल ओपन होंगे तब देना, ठीक है। उनके मार्क्स अलग से होंगे, और ये जो काम आज आपको दिया जा रहा है ये आपने हर सैटरडे को स्कूल में देना होगा, ठीक है। जो आपका जिस रूटीन से पहले आपके स्कूल में लेक्चर हो रहे थे कि आपने मंडे को आना होता था और वेनसडे को एंड फ्राइडे को, तो इसी तरह ही आपके लेक्चर्स होंगे और आपने सैटरडे को सारा काम स्कूल में जमा करवाना होगा, जो जो भी आपको इस वीक में होमवर्क मिलता रहेगा, ठीक है। और इसको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है, और मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।